हाय नमस्कार। सो उड़ीसा स्टेट ने भी अपनी स्टेट काउंसलिंग का नोटिफिकेशन निकाल दिया। बिल्कुल पहला नोटिफिकेशन है जिसमें सिर्फ ये बताया गया है कि 29 नवंबर मतलब परसों से हम ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि एडमिशन प्रोसेस का नहीं पता, और उड़ीसा की जो वेबसाइट है बड़ी सिंपल है, www.ojee.nic.in। तो उसके अलावा odishajee.com। तो जब ojee.nic.in पे जाएंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ एक लिंक नज़र आ जाएगा जिसमें कुछ नहीं है फिलहाल, एज ए साइड की एक पेज खुल रहा है कि 29 नवंबर से प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उड़ीसा इज ए कम्प्लीटली क्लोज स्टेट, और वैसे भी देखिए उड़ीसा में गिन के दो ही प्राइवेट कॉलेज हैं, दोनों ही हाईटेक नाम से चलते हैं, एक भुवनेश्वर में और एक राउरकेला में। और इसी कॉलेजेस के अलावा तो ओपन और क्लोज में फ़र्क है नहीं। दो बहुत फेमस डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उड़ीसा में जिसका एडमिशन एनीवे एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू होता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज खूब सारे हैं, पर जहाँ तक प्राइवेट कॉलेज की बात है वो हाईटेक दो इंस्टीट्यूट हैं टोटल, जो काफ़ी ये पॉपुलर रहता है, मतलब जिसकी वजह से वो इसलिए रहता है उड़ीसा कि इन दोनों कॉलेज की आज भी ऑफिशियल जो फीस है वो 7 लाख पर ईयर है। कॉलेजेस ने केस कर रखा है अगेंस्ट दी स्टेट गवर्नमेंट, वो 11 लाख रुपए फीस लेना चाहते हैं। इस तरह सरकार ने कंट्रोल कर रखा है, और अगर आप कॉलेज की वेबसाइट पर जाएंगे तो वो बार बार यही कहते हैं कि हमने केस कर रखा है और वी आर वेटिंग फॉर द रिवर्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और कभी भी हमारी फीस 11 लाख हो सकती है, तो आप सोच समझ के एडमिशन लीजिए। बट चूँकि फिलहाल 6 लाख रुपये है, 7 लाख रुपये है, तो इसकी वजह से आपको बहुत मार्केट में कंसल्टेंट मिलते हैं जो आपसे कहते हैं कि हम आपका उड़ीसा का जाली डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा देंगे, आपको हाईटेक में एडमिशन हो जाएगा, और उसकी वजह से आपका जो पूरा फीस स्ट्रक्चर है वो 40 लाख से भी अंदर अंदर आ जाएगा हॉस्टल मिला के, या बल्कि आप 35-36 का भी वो बोल देते हैं भुवनेश्वर का स्पेशली बता के। तो देखिए ये जो अगर आप सुनते हो ना कि कौन से सस्ते कॉलेजेस हैं इंडिया में, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा के दो प्राइवेट आते हैं, बहुत गिनकर है। देखिए केरला के 4 बच्चे या कर्नाटका के 10 लाख वाले हैं, छत्तीसगढ़ के हैं जो 7 लाख की रेंज में है, और सेंट जॉन से सीएमसी लुधियाना, तो उसी रेंज में ये सीएमसी वेल्लोर, उसी रेंज में ये दोनों आते हैं। और इन्हीं दो कॉलेजों को आपको बता बता के आपसे एडवांस फीस ले ली जाती है, और आपको यही कहा जाता है कि हम आपको उड़ीसा का डोमिसाइल बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि देखिए लाइफ टाइम डिग्री है, मैं हमेशा कहता हूँ, वैसे तो मैं हमेशा ही खिलाफ हूँ कुछ गलत काम करने के, लेकिन कभी आपने गलत काम किया कहता खाया पिया ख़त्म किया, लेकिन वो डिसीजन जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहने हैं, आज आपका एडमिशन हो गया, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 8 साल बाद भी बात खुल गई और आपकी चीज़ कैंसिल हो गई, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यू नो गलत काम करो जिसमें ये है कि ठीक है कोई शर्ट खरीदी पहनी है कि इस प्रोसेस में हमने कुछ गड़बड़ कर भी दी तो कोई बात नहीं, आपको कहीं जाना था आना था, लेकिन ये जो डिसीजंस होते हैं ये लाइफ टाइम डिसीजंस होते हैं। इन डिसीजंस में आप कुछ पेपर वर्क में गड़बड़ ना ही करें तो अच्छा है, मेरी सलाह ये रहती है, और एटलीस्ट मैं तो अपने हाथों से किसी का नहीं करवाता। तो उड़ीसा की खासियत यही है, तभी मैंने ये वीडियो बनाया, वरना कुछ खास है नहीं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जैसे उड़ीसा की काउंसलिंग लॉन्च होती है तो वो जो फ्रॉड कंसल्टेंट्स हैं वो जो आपको 40 लाख के अंदर MBBS का झांसा देते हैं वो उड़ीसा के ही दो प्राइवेट कॉलेजेस के नाम पर देते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ शेयर करी। धन्यवाद।